चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं। और ये मैं आपको बता चुका हूं, मेरी इस श्रृंखला का जो प्रत्येक दिन आपके बीच में आ रही है, इसका नाम मैंने रखा है एक टॉपिक रोजाना। और इस एक टॉपिक रोजाना का उद्देश्य उन सारे बच्चों के लिए रिविजन राउंड में, उन बच्चों के लिए जो कठिन टॉपिक्स हैं आपके मेथड्स के और आपके साइकोलॉजी के, उन सब टॉपिक्स का एक श्रेष्ठ और शानदार रिवीजन कराना है। और मैं इसीलिए आप बच्चों को बार बार बोलता हूं कि ये वीडियो जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए, आप उतने बच्चों तक पहुंचा दीजिए। मेरे तो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो सब वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं ये आपका प्रेम है कि मेरे सिर्फ एक दिन में लगभग 400 से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं। आप एक दिन का वीडियो होता है, लगभग 1000 से ज्यादा व्यूज एक दिन में आ जाते हैं। ये एक आप लोगों का प्रेम और इसलिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन आप समझ लीजिए, इन वीडियो की मुझसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आवश्यकता आप लोगों को है, क्योंकि रीट का एग्जाम मुझे नहीं देना है, रीट का एग्जाम आपको देना है। और एक एक दिन जो अपनी तैयारी को लेकर के आप गिन रहे हो, एक एक दिन आप ये इंतजार कर रहे हो कि कब आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक हो गए, वो आपका टेंशन है। और मैं आपके उस टेंशन में एक सारथी की भूमिका बनकर के आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैंने सिर्फ इतना काम किया है, ये लॉकडाउन के दिन आपके लिए सार्थक हो जाए। मुझे एक भावनात्मक लगाव है अपने विद्यार्थियों से, और उस वजह से जो बच्चे मुझे कई बार व्यक्तिगत मैसेज करते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया ऐप्स पर, वो सब सारे कॉन्टेक्ट्स में, तो उन बच्चों का हमेशा ये कहना होता है कि सर, ऐसे खाली दिनों में जहां हम लोग कहीं निराश हैं, कहीं हमको मोटिवेशन बातें कीजिए, कुछ टॉपिक हमको बताइए, कुछ कठिन बिंदुओं पे हमसे चर्चा कीजिए, वो चर्चा के दृष्टिकोण से ये मेरे वीडियो बने हैं। और बच्चों, मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो में आप, चूंकि आप लिख लिख करके परेशान है, आप पढ़ पढ़ करके परेशान है, आपको सिर्फ सुनना है, ये केवल रिवीजन राउंड है। और रिवीजन राउंड में मैं आपकी जो आपके कमेंट्स जो आपने इनबॉक्स किए हैं मुझे, मैं उन सबको लिखता हूं अपनी कॉपी पर कि अगले टॉपिक का निर्धारण क्या हो, अगला टॉपिक मैं आपके बीच में कौन सा लिख करके आऊं। तो आज का टॉपिक मैं आपको बता दिया था, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन की, कुछ उत्तम मूल्यांकन की कुछ विशेषताओं पर, जिन्हें हम मूल्यांकन की विभेदकारिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता के नाम से जानते हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदु, और ये बच्चों की एक बड़ी टेंशन होती है। और आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि गारंटी से एक नंबर इस प्रश्न का परीक्षा में आपको हर हालत में मिलेगा। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब इसमें से एक प्रश्न परीक्षा में नहीं आया हो रीट में। तो हर साल जब इस खंड में से एक प्रश्न आता ही आता है। मेरे ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे हैं, जिनको ऑफलाइन क्लास में मैंने कहा था कि इस एक पेज का मूल्य एक नंबर के बराबर है रीट के, और रीट का एक नंबर आपको रोजगार दिला सकता है और जिंदगी भर के लिए बेरोजगार रख सकता है। आप जानते हो एक नंबर की वैल्यू क्या होती है? और अगर आप नहीं जानते हो तो उन बच्चों से पूछो जो कट ऑफ पॉइंट के कहीं पास आकर के बेरोजगार पड़े सिर्फ एक प्रश्न की वजह से, वो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते। तो बच्चों, मैं फिर आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं, आप जितने ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचेगा। और जो बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं मेरी श्रृंखला से, मैंने कहा एक टॉपिक रोजाना, मैं रोज एक टॉपिक लेकर के, और रोज का टॉपिक जो होगा वो सामान्य शिक्षण नहीं होगा, रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत वो कोई कठिन ऐसा बिंदु होगा जो आप ही की डिमांड से, मैंने जैसे बच्चों ने मुझे कमेंट किया और उसको मैंने देखा था ब्लूम के वर्गीकरण पे, बच्चों ने कहा कि सर ब्लूम का जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसको समझाइए, मैं उसको अगली प्रायोरिटी में ले रहा हूँ, अगले वीडियोज में उसको लेकर के आऊंगा। बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने कहा कि सर मूल्यांकन चल रहा है तो संरचनात्मक और योगात्मक जो आकलन होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असिस्टेंट, वो हमको थोड़ा सा क्लियर समझाइए। और मैं अभी आपको बता देता हूँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो कल वीडियो जो आएगा उस वीडियो का टाइटल ही रहेगा, उस समय चर्चा करूंगा फॉर्मेटिव और समेटिव असिस्टेंट पर। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असिस्टेंट पर मेरी चर्चा रहेगी, तो वहां हम लोग बात करेंगे तो उसमें संरचनात्मक और योगात्मक आकलन में कहां क्या एक बड़ा डिफरेंस होता है, संख्या को लेकर के जो विवाद है सीबीएसई और आरबीएसई में, उसकी क्या कंडीशन है, उसको भी मैं चर्चा करूंगा अपने चर्चा में लेने का। लेकिन आप लोग मूल्यांकन के जो क्रम से चले आ रहे हैं, कल की चर्चा हमारी कल होगी, आज मैं मूल्यांकन की विभेदकारिता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिता, व्यापकता, इन जैसे बिंदुओं पे आपके साथ सार्थक चर्चा करने वाला हूं। तो बच्चों, आज इसके इस खंड के साथ मेरे साथ जुड़िए। और मैंने कहा कि ये आपको कहीं भी
कहीं भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक तथ्य ठूस ठूस करके आपके दिमाग में बिठा दूंगा। वो जो कमियां रिक्तियां, वो कहीं खालीपन आपका ऑफलाइन क्लास के दौरान कहीं रह गया होगा, किसी भी क्लास से किसी भी कोचिंग से आप जुड़े हो, राजस्थान के किसी भी गांव ठाणी के बच्चे आप हो, आप इन वीडियोस को देखिए और इन वीडियोस से अपनी उन शंकाओं आशंकाओं को जो क्लासरूम में आपकी रह जाती हैं और आप शर्म से हिचक से आप किसी को कह नहीं पाते हो, वो सारी की सारी शंकाओं आशंकाओं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको लिखना नहीं है इन वीडियोज में, क्योंकि लिख तो आप बहुत ज्यादा चुके हैं, जिसको शौक है जिसको जरूरत है वो लिखे, एक अलग बात है, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन जो बच्चे कई कई बार इसको पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं, उनको लिखना नहीं, उनको केवल सुनना है और हर चर्चा को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं बहुत आराम से आपके साथ हर बिंदु पे चर्चा करने वाला हूँ। तो बच्चों, एक प्रश्न जैसे बनता है कि अलग अलग संदर्भ दे करके कि मूल्यांकन की विश्वसनीयता क्या है, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता क्या है, मूल्यांकन की विभेदकारिता क्या है, तो ये जो सारे गुण होते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इन गुणों से रिलेटेड एग्जाम्पल दे करके या परिभाषाई तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, आपको समझना पड़ेगा। मैं न केवल मूल्यांकन की इन प्रत्येक विशेषताओं को एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि प्रत्येक पर एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ और मौखिक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि अपना इलेक्ट्रॉनिक पैनल नहीं है, डिजिटल पैनल नहीं है, तो प्रश्नों का पैनल वो आ नहीं सकता है, मैं लिख करके मैं लास्ट में आपके साथ प्रश्न भी ले लूँगा। तो एक तो परिवर्तन आपको दिख रहा होगा, बच्चों ने मुझे कहा था कि सर जो बोर्ड है उसे हॉरिजॉन्टल रखिए, वर्टिकल में थोड़ा सा दिक्कत कम आ रही है, पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता है, तो अभी पर्याप्त स्पेस भी मिल रहा है और वीडियो क्वालिटी पहले से क्लियर जा रही है। ये कल बच्चों ने कहा कि सर वीडियो क्वालिटी क्लियर आई है और आराम से हम लोग देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा था कि फर्स्ट डे के वीडियो को देख करके मैंने ये तय किया था कि उसको बारीकी से देख करके समीक्षा करूंगा, कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, आपके सुझावों को शामिल करूंगा। और अगला वीडियो निश्चित तौर पर, हर अगला वीडियो पहले वीडियो से ज़्यादा बेटर आएगा, चाहे साउंड क्वालिटी की बात हो चाहे उसकी बात हो, लेकिन रिकॉर्डेड ही आ पाएंगे, क्योंकि मैंने एक निवेदन कर दिया, सीमा है, मेरे लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, नेटवर्क स्ट्रेंथ सुबह ठीक आती है, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा लोड भी रहता है तो नेटवर्क में तो नहीं प्रॉपर स्पीड आ पाती है। हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन की उत्तम परीक्षण की इन विशेषताओं पर। तो मूल्यांकन की विभेदकारिता क्या होगी, वस्तुनिष्ठता क्या होगी, विश्वसनीयता, आप एक एक करके मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा। बिंदु नंबर एक, मूल्यांकन की विभेदकारिता क्या होती है। और बच्चों नाम से स्पष्ट है, विभेदकारिता यानी कि विभेद करे, किन में विभेद करे, विभेद किन में करना है। प्रत्येक कक्षा समूह, आप कहीं भी आप पढ़ाते हो, उस प्रत्येक कक्षा समूह में हमेशा अलग अलग बौद्धिक स्तर के बालक होते ही हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी कक्षा स्तर को आप देखेंगे, आप किसी भी गांव में आप पोस्टेड है, किसी भी जिले के किसी भी गांव में, भारत के किसी भी हिस्से में, विश्व के किसी भी हिस्से में, आपको हर कक्षा समूह में तीन प्रकार के बालक आपको सदैव मिलते ही मिलते हैं। उन पूरे कक्षा समूह में लगभग 5-10% तक बालक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम प्रतिभाशाली की श्रेणी में रख सकते हैं, और अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो औसत की श्रेणी के होते हैं, और कुछ संख्या में जो बच्चे होते हैं वो गधेड़े होते हैं, जिन्हें हम गधेड़े मान सकते हैं, पिछड़े मान सकते हैं, साइकोलॉजी की भाषा में हम बोलते हैं पिछड़े छात्र। तो प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़े जो छात्र हैं, इनका पता कैसे चलता है, आपको कैसे पता चलेगा क्लास में कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन औसत है, कौन पिछड़ा है। तो पता ऐसे चलता है कि आप कक्षा में जब भी कोई परीक्षा लेते हो, जब भी आप कोई टेस्ट लेते हो, जब भी आप कोई मूल्यांकन करते हो, अर्धवार्षिक, वार्षिक या प्रथम द्वितीय या कोई भी परीक्षा आप लेते हो, निश्चित तौर पर उन बच्चों के जो प्राप्तांक आते हैं वो प्राप्तांक में आप कैटेगराइज करते हो, और कैटेगराइज ऐसे करते हो कि जिन बच्चों की 80-85-90-95% आप उनको बोलते हो कि ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो कहीं 55-60-62-65 तक कहीं इधर इस रेंज में चलते हैं आप उनको बोलते हो ये मध्यम औसत स्तर के बालक हैं, और जो कहीं 50 से नीचे चलते हैं या फेल होते हैं वो आपकी नज़र में गधेड़े होते हैं, कमजोर होते हैं, पिछड़े होते हैं। तो अब आप ध्यान से समझिए कि ऐसा मूल्यांकन की विभेदकारिता, अब आप सोच के देखिए कि मैंने कक्षा में एक ऐसा मूल्यांकन ले लिया, मैंने आपको मान लीजिए साइकोलॉजी पढ़ाई है, मैंने मान लीजिए आपको गणित पढ़ाया है, मैंने आपको विज्ञान पढ़ाई है, हिंदी अंग्रेजी जो कुछ भी पढ़ाया है, और मैंने काफ़ी मेहनत से आपको 1-2 महीने आपको पढ़ाया उस कक्षा समूह में, और पढ़ने के बाद मैंने जब 2 माह बाद आपकी ये परीक्षा ली, उस परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न मैंने ऐसे लिए, बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है, और पूरी कक्षा के 50 बच्चे, मान लीजिए 500 बच्चों ने उसको उत्तर दे दिया,
मुझे कैसे पता लगेगा कि इन 500 बच्चों में कौन औसत था, कौन प्रतिभाशाली था, कौन कमजोर था? तो मुझे जो मूल्यांकन जो करना पड़ेगा, जो पेपर मुझे बनाना पड़ेगा, उस पेपर में मुझे 3 स्तर के प्रश्न लेने पड़ेंगे, और वो 3 स्तर के प्रश्न होंगे। मुझे उसमें कुछ सरल प्रश्न अगर लेने हैं तो सरल प्रश्न मैं लूंगा, मध्यम स्तर के प्रश्न भी लूंगा, लेकिन मुझे साथ साथ कुछ कठिन स्तर के भी प्रश्न लेने होंगे, और वो कठिन स्तर के प्रश्न वो होंगे जिनका उत्तर सामान्य बच्चे, औसत बच्चे, कमजोर बच्चे नहीं, कमजोर तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, सामान्य बच्चे हो सकता है, औसत बच्चे जो है वो हो सकता है थोड़ा आधा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत उसका पार्ट आंशिक तौर पर हल कर पाए। तो कठिन स्तर के प्रश्नों का समावेश करना पड़ेगा, और वो कठिन स्तर के प्रश्न जब जो पिछड़े बालक होते हैं नहीं कर पाते हैं, हमको ये पता लगता है कि हाँ इन बालकों का बौद्धिक स्तर ज़्यादा मजबूत नहीं है, या इनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या इन्होंने परिश्रम ज़्यादा नहीं किया है। तो ध्यान रखिए, मूल्यांकन की विभेदकारिता क्या होती है। मूल्यांकन का ऐसा गुण जो कक्षा के अलग अलग बौद्धिक स्तर के बालकों का पता करने में सक्षम हो, अर्थात जो ये तय कर पाता हो, ऐसा मूल्यांकन जो ये तय करने में सक्षम हो कि कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चे कौन कौन से हैं, औसत बच्चे कौन कौन से हैं, और पिछड़े बच्चे कौन कौन से हैं, जो ये तय कर पाता हो। और आप इस बात को समझ रहे हैं, ये तय वो जब कर पाएगा, जब कब तय कर पाएगा, जब तय कर पाएगा जब आपके मूल्यांकन प्रश्न में सरल, मध्यम और कठिन तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो, तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। तो मूल्यांकन की विभेदकारिता क्या होती है, इसको अब एक लाइन में समझिए बहुत आराम से, कि मूल्यांकन का ऐसा गुण जो कक्षा में विभिन्न बौद्धिक स्तर के बालकों में विभेद कर सके, यानी कि जो ये पता लगाने में सक्षम हो कि कक्षा के औसत, प्रतिभाशाली और पिछड़े स्तर के बालक कौन कौन से हैं, और इस हेतु उस विभेदकारी मूल्यांकन में आपको 3 प्रकार के प्रश्न आपको रखने ही पड़ते हैं, सरल स्तर के, मध्यम स्तर के और कठिन स्तर के। तो ऐसा मूल्यांकन विभेदकारी होता है। और आप देखिए सीटेट 2019 में एक प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न, और वो प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि एक कक्षा में लिए गए मूल्यांकन प्रश्नों का कक्षा के सभी बालकों ने उत्तर दे दिया। तो कक्षा के सभी बालकों ने एक मूल्यांकन प्रश्न का उत्तर दे दिया, इस प्रकार किया गया वो मूल्यांकन, अ वस्तुनिष्ठ नहीं था, ब विश्वसनीय नहीं था, स वैध नहीं था, द विभेदकारी नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर था वो मूल्यांकन विभेदकारी नहीं था, क्योंकि जिस प्रश्न, जिस मूल्यांकन प्रश्न का कक्षा के सभी बच्चों ने उत्तर दे दिया, वो कैसे ये पता करेगा कि कौन कौन से बौद्धिक स्तर के बालक कौन कौन से। तो उस प्रश्न का जो सही आंसर था वो सही आंसर था कि मूल्यांकन विभेदकारी नहीं है। ये होता है बच्चों मूल्यांकन की विभेदकारिता का गुण। और मैं निश्चित तौर पर आप बच्चों के साथ संवाद जब करता हूं तो मेरा प्रयास ये होता है, जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लगातार बीच में इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना मैक्सिमम। और मेरा एक, हाँ एक बात जो पिछले वीडियो में मैं बोलना चाह रहा था लेकिन ध्यान से उतर गई, ऐसे बच्चे जो वीडियो को बीच में देख करके छोड़ देते हैं, वो कॉन्सेप्ट उनके उससे स्लिप हो जाता है, ध्यान रखिए। मैं कई बार बच्चों से ये, मैं ऑफलाइन क्लास में तो कहा था, आप जब एक बात सुनना प्रारंभ करते हैं तो जब तक वो बात समाप्त नहीं हो जाती तब तक आप पूरी बात को मनोयोग से सुनिए, अन्यथा आप जब टुकड़ों में कहीं सुनते हैं या आप एकाध टुकड़ा कहीं सुनते हैं, आप उस मूल भाव से, उस मूल भावना से आप वंचित रह जाते हैं जहां तक वो अध्यापक आपको पहुंचाना चाहता है। वो स्लिप होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके उससे स्लिप हो। तो पूरे एक क्रम में देखिए जिससे सारे को, मेरा कोई वीडियो आधा घंटे 40 मिनट से ज्यादा बनाऊंगा ही नहीं। मैंने आपको बोल दिया था कि हर वीडियो की अवधि जो रहेगी वो अधिकतम 30-35-40 मिनट तक रहेगी, इससे ज्यादा बच्चे एक साथ परोसना भी गलत है और इससे बड़ा वीडियो बनाने की कोई तुक भी नहीं। मैं टुकड़े छोटे छोटे कर लूंगा, विश्लेषण विधि जो होती है जहां हम जटिल समस्या को खंडों में, छोटे छोटे खंडों में बांट करके हल करते हैं, तो विश्लेषण विधि से हम लोग चलेंगे। जटिल समस्या होगी बड़ी जिसमें चर्चा बड़ी 1-2 घंटे की होगी, मैं उसे छोटे छोटे खंडों में बांट करके 30-40 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये मूल्यांकन की विभेदकारिता। अब नंबर 2 मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता। और मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये पर्सनल, ये कमेंट जो है वो मुझे इनबॉक्स किया अलग अलग मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, और ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों ने मुझे इस बात को सबसे ज्यादा कहा था कि सर इन दोनों को सबसे ज्यादा समझाना, वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता, सबसे ज्यादा कंफ्यूज ही करते हैं। और आपको याद होगा 2018 की परीक्षा में जो प्रश्न आया था, एक विद्यार्थी 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, उस प्रश्न में विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता दोनों को सही उत्तर मान करके बोनस अंक दिया था, उस प्रश्न की भाषा में थोड़ी सी त्रुटि थी।
वो क्या बात थी, इनको बारीकी से समझिए, वस्तुनिष्ठता क्या होती है मूल्यांकन की और विश्वसनीयता क्या, इन दोनों को मैं समझाता हूँ और तुलनात्मक तौर पर भी समझाता हूँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है। तो देखिए वस्तुनिष्ठता क्या होती है, मूल्यांकन का ऐसा गुण, चलिए मैं इसको शुरू यहां से करता हूं। आप देखिए कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर एक से अधिक संभव हो सकता है, एक से अधिक स्थितियां संभव हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने का कोई एक उपाय बताओ, अब ये प्रश्न एक खुला प्रश्न है, इसका कोई सा भी उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर अद्वितीय नहीं है, कोई एक ही तरीका फिक्स नहीं है कि यही तरीका शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने का है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के कोई दो उपाय बताओ, अब ये खुला प्रश्न है, ये अद्वितीय उत्तर वाला प्रश्न नहीं है। ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अद्वितीय होते, ये सबसे बड़ी शर्त है वस्तुनिष्ठता की, ये सबसे बड़ी शर्त है कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अद्वितीय होते हैं, अर्थात अद्वितीय मतलब यूनिक, जिनका कोई दूसरा उत्तर होता ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अद्वितीय होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जब मूल्यांकन किया जाता है परीक्षक बदल बदल करके, तो परिणाम पर कोई अंतर नहीं आता। ये गुण जो होता है वो मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता का गुण होता है। तो जो परीक्षक बदलने पर परिणाम में अंतर नहीं आता, ये तो एक साइड इफेक्ट है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जहां पे कोई अद्वितीयता ना हो, यूनिक हो, तो ऐसा मूल्यांकन का ऐसा गुण जहां पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय होते हैं, और अद्वितीय होते हैं फलस्वरूप जो मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं उनका परीक्षण अगर परीक्षक बदल बदल करके कराया जाए तो परिणाम में अंतर नहीं आता, ऐसा गुण मूल्यांकन का वस्तुनिष्ठता कहलाता है। तो परीक्षा बदलेगा, मान लीजिए एक परीक्षा ली गई और परीक्षा लेकर के उसका मूल्यांकन मैंने किया, मैंने किसी बच्चे को 100 में से 56 अंक दिए, उस कॉपी को किसी दूसरे से जचवाया उसने भी 56 अंक दिए, तीसरे से जचवाया उसने भी 56 दिए, चौथे से जचवाया उसने भी 56 दिए, इसका मतलब हर प्रश्न का जो उत्तर था वो अद्वितीय था। तो जिस प्रश्न को मैंने सही माना उसको इसने सही माना, इसने सही माना उसने सही माना, प्रत्येक उसी को सही मानेगा क्योंकि उसका उत्तर सही वही है, वो उसकी यूनिकनेस है, वो अद्वितीयता है उस प्रश्न के उत्तर में। तो मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, और परीक्षक बदलने पर भी परिणाम में अंतर नहीं आता, तो ऐसा मूल्यांकन कहलाता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। ये गुण होता है मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता का। लेकिन इससे मिलता जुलता प्रश्न विश्वसनीयता का भी आता है, गुण विश्वसनीयता का। विश्वसनीय क्या होता है, विश्वसनीय होता है जिसका विश्वास किया जा सके, और ध्यान के विश्वास किया जा सके, यहाँ पे ये अद्वितीयता की शर्त नहीं है, अद्वितीयता की शर्त वस्तुनिष्ठ में होती है, विश्वसनीयता में विश्वास की शर्त होती है। और इसको आप समझ लीजिए, मैं पहले इसको सरल भाषा में पहले एक्सप्लेन करूं, मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें उस मूल्यांकन की परीक्षण जो किया गया है आपने उस परीक्षण की स्थिति बदल करके पुनरावृत्ति करके भी आप लेते हैं तो परिणाम में अंतर नहीं आए, ये उस परीक्षण की विश्वसनीयता, उस मूल्यांकन की विश्वसनीयता होती है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें परीक्षक तो नहीं बदल रहा है, इसमें आदमी नहीं बदल रहा है, ध्यान के सब परीक्षक नहीं बदल रहा है, परीक्षण की स्थितियां बदल रही है, आप परीक्षण की पुनरावृत्ति आप कर सकते हो, परीक्षण को भिन्न भिन्न। उदाहरण में क्लासों बच्चों को ऑफलाइन क्लासों में एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कि बच्चों मान लीजिए मेरा वजन आपने किया, मैंने कहा कि मेरा भार निकालना है, आपने मुझे किसी एक डिवाइस पर तोल करके कहा कि सर आपका भार जो है वो 86 केजी है, वो 86 केजी भार मुझे डाउट हुआ, वो 86 केजी भार मैंने परीक्षण का प्रकार बदला, मैंने दूसरे डिवाइस पे तोला तो भी 86 केजी आया, तीसरी डिवाइस पे तोला परीक्षण का प्रकार चेंज किया तो भी 86 केजी आया, मतलब मेरा जो मूल्यांकन किया गया था वो विश्वसनीय था। विश्वसनीय मूल्यांकन जिसका विश्वास किया जा सके, जिसकी प्रक्रिया बिल्कुल निश्चित हो, अद्वितीयता, उत्तर की अद्वितीयता इसमें शर्त नहीं है, उत्तर की अद्वितीयता शर्त होती है वस्तुनिष्ठ में। तो मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें परीक्षण की पुनरावृत्ति किए जाने पर, परीक्षण की पुनरावृत्ति, परीक्षक नहीं बदल रहा है, परीक्षक बदलेगा परिणाम में अंतर नहीं आएगा तो वस्तुनिष्ठता है। जैसे परीक्षण की पुनरावृत्ति किए जाने पर या परीक्षण की भिन्न स्थिति में लिए जाने पर भी परिणाम में अंतर न आए तो वो मूल्यांकन जो होता है वो विश्वसनीय मूल्यांकन होता है।
ऐसे कई सारे एग्जाम्पल में आपके साथ, जैसे मैंने क्लास में, जैसे आपने मेरा जो भार लिया 86 किलो वो विश्वसनीय मूल्यांकन था। मैंने एक क्लास में अभी रिसेंटली क्लास में ऑफलाइन क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे घर में मान लीजिए एक नौकर है, वो मेरा घर में कोई सामान एक दिन घर रह जाता है, मुझे इस बात का डाउट है कि रास्ते में गिर गया, मैं शाम को आता हूँ तो मेरा नौकर मुझे वो सामान, मेरा जो महंगा सामान है, महंगी घड़ी है, वो मुझे लौटाता है। वो कहता है कि सर आपकी ये घड़ी रह गई, तो मुझे लगता है और मुझे ही, मैं उसके बारे में मूल्यांकन करता हूँ कि नौकर ईमानदार है, लेकिन ये अभी रिजल्ट जो मेरे द्वारा निकाला गया ये विश्वसनीय है या नहीं, मैं इस परीक्षण की पुनरावृत्ति करता हूँ। एक दिन मान लीजिए मैं घर पे 10,000 रुपये ऐसे ही पड़े छोड़ जाता हूँ जैसे मान लीजिए मेरे संज्ञान में नहीं है, वो 10,000 रुपये उस नौकर को मिलते हैं, शाम को लौट के आने पर पुनः वो 10,000 रुपये मुझे लौटाता है कि सर आपके 10,000 रुपये गिर गए थे, आपको ध्यान नहीं है, ये ध्यान रखो, उसके बारे में जो मूल्यांकन मैंने किया था कि वो ईमानदार है, ये मूल्यांकन विश्वसनीय है। परीक्षण की प्रकृति बदली आपने, आपने परीक्षण नहीं बदला है, परीक्षण की प्रकृति बदली है, परीक्षण का प्रकार बदला है, परीक्षण की पुनरावृत्ति आपने की है, उस स्थिति में भी परिणाम में अंतर नहीं आए तो ऐसा मूल्यांकन विश्वसनीय मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन की विश्वसनीयता। और जहां उत्तर में अद्वितीयता होती है वहां पर वस्तुनिष्ठता का गुण होता है। तो ये तीसरा गुण, चौथा गुण क्या होता है, मूल्यांकन की वैधता। मैं बार बार आप बच्चों को ये ध्यान दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने में आप लोग सहायता करें, क्योंकि आप मेरा ग्रुप बहुत बड़ा है, ध्यान रखिए ईश्वर ने पिछले साल 1.5 साल में बच्चों के बीच में इतनी पॉपुलरिटी और इतना प्रेम बच्चों के बीच में दिया है, पूरा फेसबुक का कोटा पूरा फुल है, 5,000 स्टूडेंट हो गए हैं, 2,000 से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइब, ये तो आप बढ़ते रहेंगे, आप लोगों का प्रेम इसने, मेरे वीडियो आपके बीच रेगुलर आते रहेंगे। जिन बच्चों को रीड के सपने से प्यार है, जिन बच्चों को लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जिनको गंभीरता से पढ़ना कहीं पसंद है, वो बच्चे कोई ड्रामा नहीं है, कोई नाटकीयता के साथ नहीं, हम लोग गंभीरता के साथ हर बिंदु को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, मौखिक तौर पर डिस्कस करेंगे, एक रेमेडियल टीचिंग के तौर पर डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को इन वीडियो को देख करके उनको लगता है कि हाँ मैं कहीं उनके दिल से जुड़ गया हूँ, मैं कहीं उनकी पर्सनल समस्याओं से जुड़ा हूँ, उनके समाधान में कहीं मैं काम आ रहा हूँ, एक अच्छा सार्थक प्रयास कर रहा हूँ, वो सारे के सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, और इसलिए वो अपने लिए, वो बाकी दूसरे बच्चों के लाभ के लिए करेंगे, अपने खुद के और उसके लिए। तो मूल्यांकन की वैधता ये चौथा गुण होता है। ये चौथा गुण क्या होता है, मूल्यांकन की वैधता, वैधता वैलिडिटी, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन इवैल्यूएशन, एंड दिस इज रिलायबिलिटी एंड दिस इज वैलिडिटी। वैधता, रिलायबिलिटी क्या, वैलिडिटी क्या होती है। अब आप देखिए वैधता, मूल्यांकन वैध कब है, मूल्यांकन की वैधता से हम क्या समझते हैं, आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए, मान लीजिए मुझे किसी, मैं क्लास में बैठा हूँ, ये मैं ऑफलाइन क्लास से ये एग्जांपल मैंने कई बार दिया कि मैं अपनी क्लास में मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं उन बच्चों में से मैं किसी एक बच्चे को स्टेज पे बुलाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाता हूँ, मैं उस बच्चे की संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन करना चाहता हूँ, मुझे ये पता करना है कि उस बच्चे की संप्रेषण क्षमता कैसी है। मैं उस बच्ची को मंच पे बुलाता हूँ और मंच पे बुला के उसको के उसको बोलता हूँ कि 2 मिनट भाषण दे करके या किसी बिंदु पर बोल करके बता, वो बोलेगा, भाषण देगा, मुझे पता लग जाएगा उसकी संप्रेषण क्षमता कैसी है, इस बात का मूल्यांकन मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप सोच के देखें, उसी बालक को मैंने अगर ये कहा होता कि मुझे तेरी संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन करना है, चल एक निबंध लिख करके बता, चल डांस करके बता, चल पेड़ पे चढ़ के बता, मुझे संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन करना है, क्या वो वैध मूल्यांकन होते, वो वैध मूल्यांकन नहीं थे, वैध तरीका नहीं है। मुझे जिस चीज का परीक्षण करना है, जिस चीज का मूल्यांकन मुझे करना है, उस चीज का मूल्यांकन प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मेरा मूल्यांकन उसे करने में सक्षम है कि नहीं है, शुद्धता और सार्थकता से उसको माप सकता है कि नहीं माप सकता, तो फिर वो परीक्षण की वैधता है। तो मैंने मान लीजिए बच्चे की संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन करना है और मैं उसको बोला हूं कि एक निबंध लिख करके बता, ये ध्यान को, निबंध लिखाना एक वैध मूल्यांकन का तरीका नहीं है, ये वैध मूल्यांकन नहीं है संप्रेषण क्षमता के लिए। हाँ, बच्चे की लेखन क्षमता का परीक्षण करना, भाषा शैली का परीक्षण करना, तो फिर निबंध लिखना एक वैध परीक्षण है, फिर वो एक वैलिड है। तो एक एक और एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूँ, जैसे डॉक्टर के कान में स्टेथोस्कोप होता है, वो रेस्पिरेशन नापने के काम आता है, एक थर्मामीटर होता है जो टेम्परेचर नापता है पेशेंट का। अब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और वो उठा करके वो अपने स्टेथोस्कोप को उसको मुंह में घुसा दे टेम्परेचर नापने के लिए, तो क्या स्टेथोस्कोप टेम्परेचर नाप पाएगा, नहीं नाप पाएगा,
वो स्टेथोस्कोप टेम्परेचर नहीं नाप सकता बिकॉज वो उसके लिए बना नहीं है, तो स्टेथोस्कोप टेम्परेचर नापने के लिए वैध यंत्र नहीं है। तो वैध यंत्र का मतलब होगा वैलिडिटी से, शुद्धता से, सार्थकता से। तो ऐसा मूल्यांकन जो शुद्धता और सार्थकता से उन उद्देश्यों का मापन कर सके, उन उद्देश्यों का परीक्षण कर सके जिन उद्देश्यों के लिए इसे निर्मित किया है। आप देखिए इसका प्रश्न आया 2020 में, 2019 की जुलाई दिसंबर वाली सीटेट में इस प्रश्न आया था, वैधता का बड़ा अच्छा प्रश्न आया था। और प्रश्न ये था कि 10वीं क्लास के एक बालक को गणित के मूल्यांकन में गलती से 8वीं क्लास का पेपर दे दिया गया, 8वीं के प्रश्न पत्र द्वारा उस बालक का किया गया यह मूल्यांकन अविभेदकारी नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, वैध नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, और इस प्रश्न का सही जो आंसर था वो था वैध नहीं है। आप 8वीं क्लास के पेपर से 10वीं क्लास के बच्चे का गणित का मूल्यांकन आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कोई शुद्धता सार्थकता से नहीं हो पाएगा। और इसलिए नहीं हो पाएगा कि 10वीं क्लास का बच्चा तो उसके 100% आंसर दे देगा, 8वीं क्लास का जो पेपर आया है उसे 8वीं क्लास का डेफिनेटली आता होगा, वो 100% आंसर दे देगा। और आपने जब कॉपी जांची आपने ये ध्यान भी नहीं दिया कि ये प्रश्न 8वीं के हैं, आपने निकाल करके कह दिया कि 100% इसके बच्चे के अंक हैं, और आप उसकी पीठ थपथपा रहे हैं कि 10वीं का ये बच्चा 100% गणित जानता है, जबकि आपने उसका परीक्षण किया 8वीं के पेपर से, और 8वीं का पेपर तो 100% वो करेगी करेगा, तो 100% दक्षता है उसके अंदर कहाँ से आई, अभी तो नहीं है। अभी अगर आपने 10वीं क्लास के पेपर से उसका मूल्यांकन लिया होता तो शायद 100% उसके अंदर नहीं आती। शुद्धता सार्थकता से मापन नहीं है। तो ऐसा मूल्यांकन जो शुद्धता और सार्थकता से उन उद्देश्यों का परीक्षण कर सके जिन उद्देश्यों के लिए उसे निर्मित किया है। तो परीक्षा में ऐसा सवाल ऐसे आएगा बच्चों, परीक्षा में आपको एक परीक्षण दिया जाएगा, उस परीक्षण से रिलेटेड आपको कनेक्शन करना है कि क्या ये इसके लिए बना है। मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था बीएससीसी बीएड, जब आप बच्चों ने जब किया होगा आपको याद होगा आपके प्री बीएड प्री बीएससीसी में एक खंड आता था टीचर एप्टीट्यूड का, वो टीचर एप्टीट्यूड में जो प्रश्न होते थे वो प्रश्न आपके टीचर बनने के से संबंधित होते थे। वो प्रश्न आपके होते थे कि यदि कक्षा में एक बालक अनुशासन आपके में भंग कर रहा है, आप शिक्षक के तौर पर उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, अ उसे दंड देंगे, ब उसे समझाएंगे, स उसकी समस्या के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, द और कोई विकल्प। तो ये जो प्रश्न होते थे वो आपके टीचर एप्टीट्यूड में आते थे। वो क्यों आते थे? वो इसलिए आते थे कि वो आपके टीचर बनने के गुणों का पता करते थे कि टीचर बनने के कितना योग्य, आपका एटीट्यूड कितना है। तो वो आपके टीचर बनने के लिए किया गया एक वैध मूल्यांकन था। अब आप सोच के देखें उस टीचर एप्टीट्यूड वाले खंड को उठा करके कांस्टेबल परीक्षा में डाल दीजिए, वो सारे के सारे प्रश्न कांस्टेबल की परीक्षा दे रहा है बच्चा और टीचर एप्टीट्यूड वाला खंड उसमें डाल दिया कांस्टेबल परीक्षा में। तो एक जिसको सिपाही बनना है वो टीचर एप्टीट्यूड वाले सवालों को हल करके वो क्या करेगा? अगर उसके लिए प्रश्न डालने हैं तो उन प्रश्नों को डालो जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हैं, जो पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़े हैं, तो वहां पर उन वो प्रश्न हमको चाहिए। ध्यान रखो टीचर एप्टीट्यूड का टेस्ट कांस्टेबल परीक्षा के एक कांस्टेबल के बनने की योग्यता का परीक्षण करने के लिए वैध नहीं है। हाँ, टीचर बनने की योग्यता का परीक्षण करने के लिए वैध परीक्षण है टीचर एप्टीट्यूड वाले जो खंड है। तो ये होती है मूल्यांकन की वैधता। तो विभेदकारिता जहां ये अंतर हो सके प्रतिभाशाली औसत और पिछड़े बालकों में तो मूल्यांकन प्रश्न सरल मध्यम कठिन स्तर के होंगे। वस्तुनिष्ठता जहां अद्वितीय उत्तर हो तो निष्पक्ष मूल्यांकन होगा, परीक्षक बदलेगा तो भी परिणाम में भिन्नता नहीं आएगी। और विश्वसनीयता जहां पे परीक्षण की पुनरावृत्ति भी होगी, उस प्रश्न को आप किसी भी तरीके से आप देखोगे तो भी उसका परिणाम उसका उसका उत्तर उसके परिणाम में भिन्नता नहीं होगी। और वैधता जिस उद्देश्य का आप मापन करना है परीक्षण करना है उस उद्देश्य का शुद्धता और सार्थकता से परीक्षण कर सकता है। और नेक्स्ट होता है व्यापकता। ध्यान रखिए व्यापकता का जो गुण है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता जो होती है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, और ये व्यापकता एक पार्ट होता है सीसीई में शब्द को प्रयोग किया समग्रता या व्यापकता। जैसे ये कहा गया कि व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है मूल्यांकन की व्यापकता का गुण होता है जिसमें आप व्यवहार की न केवल ज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण करते हो बल्कि भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का परीक्षण करते हो तो मूल्यांकन व्यापक होता है। सीसीई की अवधारणा में ये स्पष्ट कहा गया है सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन। कंटिन्यूअस यानी कि सतत हो और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक हो। तो
तो ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यापकता का अर्थ क्या था, तो आपको याद है सीसीई में हमने चर्चा की थी, सीसीई में इस बात को कहा गया कि पुराने जो परीक्षण होते थे, जो सामान्य तौर पर जो परीक्षण लिए जाते थे, उन परीक्षणों का एक दोष था कि वो केवल ज्ञानात्मक पक्ष का पता करते थे, लेकिन उनके भावात्मक क्रियात्मक पक्षों का यानी कि शैक्षिक के साथ साथ सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन संभव होता ही नहीं था। तो इसीलिए जो परीक्षण लिए गए वो परीक्षणों में इस बात को शामिल किया गया कि ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक को भी शामिल किया जाए। तो इसीलिए ऐसे मूल्यांकन जिसमें ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाता है वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और ज्ञान को व्यापकता में एक और गुण समाविष्ट होता है, और वो समाविष्ट होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम भी शामिल हो, पाठ्यक्रम का संपूर्ण किसी एक अंश के आधार पर अगर आप मूल्यांकन करते हो, मान लीजिए आपके पाठ्यक्रम में 18 या 20 अध्याय हैं और आप केवल 4 या 5 अध्यायों को अपने मूल्यांकन में शामिल करते हो, ये व्यापक मूल्यांकन नहीं है। तो व्यापकता में दोनों चीज शामिल होंगी, अगर कंटेंट के कंटेंट वाइज देखेंगे तो ओवरऑल कंटेंट आपका शामिल होना चाहिए तो व्यापकता है, और व्यवहार के पक्षों के हिसाब से देखा जाए तो ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष शामिल हो तो व्यापकता है। तो ऐसा मूल्यांकन जो व्यवहार के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन करता हो, वो मूल्यांकन की व्यापकता का गुण होता है। तो बच्चों ये मूल्यांकन व्यापकता, और छठवां होता है मूल्यांकन की व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से अभिप्राय क्या होता है, एक मूल्यांकन तब व्यवहारिक होता है जब वो मूल्यांकन बच्चों की भाषा के अनुरूप हो, संसाधनों के अनुरूप हो, समय के अनुरूप हो। आप 3 घंटे का एक पेपर ले रहे हैं और 3 घंटे के एक पेपर में बच्चों को प्रश्न आपने दे दिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे दिए मान लो 500, आपने निबंधात्मक प्रश्न दे दिए मान लीजिए 80, 3 घंटे बच्चा कहां से 3 घंटे में 80 प्रश्न कहां से करेगा। आपने बच्चों को ऐसे प्रश्न दे दिए जहां पर प्रायोगिक उपकरणों की जरूरत है, जबकि प्रायोगिक उपकरण आपके पास है ही नहीं। कुछ प्रश्नों की रीडिंग बच्चा जब तक प्रायोगिक तौर पर नहीं करेगा तब तक निकाल नहीं सकता, और उपकरण आपके पास है नहीं। ऐसा मूल्यांकन व्यवहारिक नहीं है। जो समय का ध्यान नहीं रखता हो, जो संसाधन का ध्यान नहीं रखता हो, जिसकी भाषा सरल और व्यवहारिक ना हो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, बच्चे हंस रहे थे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एक सुदूर किसी एक गाँव में, बहुत ज्यादा विकास की डगर से पीछे छूटे हुए किसी एक गाँव में, आप वहां जाकर के बच्चों को दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को जोड़ घटाओ आप सिखाते हो। तो आप जोड़ घटाओ आप सिखाते हो, अब बच्चों को आपने 150 में से 30 घटाना सिखाया है, बच्चे 120 उत्तर निकाल देते हैं, ये घटाना बच्चों को आता है, ऐसे जितने भी प्रश्न है बच्चे कर लेते हैं इस जैसे इसके आसपास जैसे प्रश्नों को। अब आप एक बच्चे से किसी दिन प्रश्न पूछते हो, वो दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे से, कि बता मेरे मोबाइल में 200 MB डाटा है, उसमें से 45 MB की एक फाइल डाउनलोड कर ली है, अब मेरे मोबाइल में कितना डाटा है। अब वो बेचारा दूसरी तीसरी क्लास का ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, सुदूर जहाँ विकास मोबाइल इंटरनेट ऐसी कोई चीज नहीं है, अब आप उससे ये प्रश्न पूछ रहे हो कि 200 MB डाटा है, 45 MB की फाइल डाउनलोड की है, अब मेरे मोबाइल में कितना डाटा है। वो बच्चा इस प्रश्न को सुनकर के हौच-पौच हो जाएगा, क्योंकि ये MB क्या है, डाटा क्या है, फाइल क्या आइटम होती है, ये बच्चे को पता नहीं। तो बच्चा ये कहेगा कि सर ये वो इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता है, धरा कि जबकि वो प्रश्न उसके हल करने की सीमा में क्षमता में। आपने इस ये प्रश्न की भाषा उसके लिए व्यवहारिक नहीं है। अगर आपने इसी प्रश्न को पूछा होता कि तेरे पापा के पास 200 भैंस हैं, उनमें से 45 भैंस बेच देता है, तुम्हारे पापा 45 भैंस बेच देते हैं, अब उनके पास कितनी भैंस बचेंगी, अगर आपने प्रश्न को इस भाषा में पूछा होता, बच्चा घटा करके 155 उत्तर आपको कभी का बता चुका होता, कभी का। इसका मतलब आपने प्रश्न को घटाने का दिया, साधारण प्रश्न था कि 200 MB डाटा है, 45 MB की फाइल आपने डाउनलोड कर ली, कितना डाटा आपके पास शेष है आप पूछ ही रहे हो, लेकिन आप ये डाटा MB फाइल डाउनलोड इन सब भाषा शब्दावली का प्रयोग करें, आप जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी भाषा है उसका प्रयोग करें आप। तो ये जो भाषा है ये अव्यवहारिक भाषा है। तो मूल्यांकन की व्यवहारिकता होती है मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें बच्चों के साथ उस भाषा का प्रयोग किया जाए जो उनके दैनिक उपयोग की हो, भाषा जटिल ना हो और संसाधनों के समय के अनुकूल हो, ये मूल्यांकन की व्यवहारिकता का गुण होता है। तो बच्चों इस खंड में मैंने प्रयास किया है कि सरल भाषा में, एक आपसे जुड़ी भाषा में, जो आपके समझ में आ सकने वाली भाषा, उस भाषा में मैं आपके साथ, ये जो बच्चे इसको लेकर के बड़ा टेंशन में थे, मुझे कई सारे बच्चों ने, आप मेरे देखेंगे मेरे मैसेजर को, मेरे व्हाट्सएप को, कई सारे बच्चों ने ये मैसेज मुझे पर्सनली भेजा कि सर ये मूल्यांकन की ये जो गुण होते हैं, उत्तम परीक्षण की जो विशेषता होती है, इन पे थोड़ा सा
आराम से चर्चा करना है, ये हमने क्लास में पढ़ी है, लिखी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमको इनको और अंदर तक समझना चाहिए, उनको अंदर तक भरने के लिए मैंने इस टॉपिक का चयन किया। और कल के लिए जिस टॉपिक का चयन मैंने किया है वो संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, इससे क्योंकि मूल्यांकन हमारा खंड चल रहा है और ये लेवल टू SST, लेवल टू साइंस, लेवल फर्स्ट सब बच्चों के लिए उपयोगी खंड है, इसलिए मैंने ऐसे टॉपिकों का चयन मैं स्टार्टिंग में कर, नहीं अभी तो साइकोलॉजी तो सबके लिए कॉमन है, अभी तो साइकोलॉजी के टॉपिक शुरू करूंगा, अभी तो मेथड्स के, और अभी तो मेरा ये दूसरा तीसरा वीडियो है, अगर कंटेंट से देखें तो ये मेरा दूसरा ही वीडियो है। एक वीडियो जो इससे पहले है आकलन मापन मूल्यांकन पे चर्चा की, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन, उस पर चर्चा की, वो पहला वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है, अगर कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो दूसरी वीडियो तो बनाया है। ऐसे रोज एक वीडियो आएंगे, रोज एक श्रृंखला चलेगी, मैं रोज बच्चों के बीच में आकर के संवाद करूंगा। तो जिन बच्चों को अपने रीट के सपने से प्रेम है, जो बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से कहीं हल करना चाहते हैं, रीट की हर, जैसे हम कुमार गौरव बोलते हैं ना कि खोपड़ी में छेद करने वाले सवाल, खोपड़ी में छेद करने वाली स्थिति हमारी बने, आप ध्यान को आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद आप तब कर पाओगे जब आप हर प्रश्न हर कॉन्सेप्ट से मजबूती से जुड़े हो, तब एक आत्मविश्वास लेकर के आप परीक्षा भवन तक घुसोगे। तो बच्चों इस खंड में मैं अपनी चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ, अगले वीडियो में मैं योगात्मक और संरचनात्मक आकलन के साथ आपसे मिलूंगा और निश्चित तौर पर वहां मेरी एक कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके साथ उस जो FA और SA है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, उस पर एक सार्थक चर्चा करूं, उसका एक वीडियो, और हमारा कोई वीडियो 30 से 40 मिनट से ज्यादा का नहीं रहेगा, मैं प्रयास करूंगा कि अधिकतम इसी अवधि का वीडियो बने, 30 मिनट तक का बन जाए सबसे बेटर है, अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो 35-40 मिनट का, बस इतने अंदर अंदर में वीडियो अपना रहना चाहिए, बच्चों को देखने में मजा आए। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक स्लिप होगा, कोई भी एक बात स्लिप होगी, वो कंटिन्यूटी स्लिप होगी, आपका काम खराब होगा। तो बहुत बहुत आभार आप जितनी देर इस वीडियो को आपने देखा है, और मैं निश्चित तौर पर आपसे फिर, वो मुझे बार बार ये कहने की जरूरत, कोई मार्केटिंग नहीं है मेरी, मैं तो बस आपके भले के लिए जुड़ा हूँ, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, ये मेरे जितने भी स्टूडेंट जो हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में पूरे राजस्थान के हर एक गांव ढाणी तक है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं बेचारे, उनको शायद पता नहीं है कि मैं ये वीडियो शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फेसबुक से मुझे इतने हजार बच्चे जुड़े, उनमें से कई सारे सैकड़ों बच्चों को मेरे पास मैसेज पड़े हैं कि सर हमने फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि सोशल मीडिया से हम कट होना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर कट होते अच्छी बात है, अगर आपको लगता है, हर बच्चे की अपनी पर्सनल समस्याएं होती हैं, तो अगर वो कट होता है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन यूट्यूब सबके पास होता है, आप इसे यूट्यूब पे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक शायद पहुंच जाएगा, उन बच्चों की शायद दुआएं मेरे तक आ जाएगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपके साथ अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ और निश्चित तौर पर एक सार्थक चर्चा के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लॉकडाउन में रहिए, सेफ रहिए अपने आप को, और कोरोना गाइडलाइन की पालना कीजिए, अगेन थैंक यू।